जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो, कई वर्ष हो गए हो, संतान नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, टेस्ट भी करवा लिया, सब कुछ करा लिया, तो एक बार भगवान शंकर पर विश्वास कर सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, और ध्यान देना वो जड़ किसी दूसरे से नहीं मंगवाना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि तुम लाकर दे देना तो हम बांध लेंगे। हो जिस नारी को संतान चाहिए वो अपने पति के साथ जाए और सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। रजस्वला धर्म के सातवें दिन उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में लेकर जाए, तुम रुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाए और फिर आखिरी में अपना नाम और गोत्र बोले, पति का नाम बोले, झोली पसार कर बाबा से विनती कर कि मेरे घर में भी संतान हो, ऐसी प्रार्थना कर उस जड़ को लाल धागे में मंदिर के अंदर ही कमर में उसको बांध ले। महाराज कई लोग ऐसे हैं 18, 19, 20 साल जिनको हो गए, जिनके घर में संतान नहीं हुई और बाबा विश्वनाथ ने उनकी गोदियां भर दी, बाबा की ऐसी कृपा बनी, ये बाबा की। हर हर महादेव दोस्तों, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप कपड़े में कवर कर सकते हैं, सफ़ेद हो या लाल हो या पीला हो, इन तीनों में किसी भी कपड़े में आप बांध सकते हो, उसको मोली बांधे, मोली पीली हो या लाल हो उसमें ही बांधे, उसमें 9 गांठ भी लगा लें थोड़ी थोड़ी दूरी पर। आपके रजस्वला धर्म के सातवें दिन सिर धोकर भोले बाबा के मंदिर में जाना है, फिर शिवलिंग पर 21 बार घुमाना है, सीधा घुमाना है तुमरुका जी का नाम बोलकर, और अपना नाम गोत्र भी बोले। भोले बाबा से मन से अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। 3 महीने में ही आपकी गोद भोले बाबा की कृपा से जरूर भर जाएगी। जैसे गुरु जी ने बताया उसको मंदिर में ही बांध लें। वीडियो देखने के बाद इस उपाय को आप करके देखें, आपको अगर आराम लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।